बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर में हम एवेल्यूएशन के मतलब बात करेंगे। अगर हमें किसी सिस्टम को एवेल्यूएट करना है उसके मतलब बात की जाएगी। एवेल्यूएशन की जो बेसिक कमांड है EVAL एवेल्यूएट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई, तो ये हमारे पास सिस्टम यहाँ पे एवेल्यूएट होके आ जाएगा। पाई की इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन इसकी जो डेसिमल फॉर्म है या फ्लोटिंग फॉर्म है वो नहीं आई है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट में लेना चाह रहे हैं तो फिर इसकी फॉर्म क्या बनेगी। AVL फ्लोटिंग पॉइंट F, तो अब वही फॉर्म हमारे पास, वही एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर आ गई, अशारिय में आ गई है। जबकि पहले हमने इसको सिर्फ एवेल्यूएट किया था तो उसका आंसर पाई आया था, लेकिन जब हमने इसको एवेल्यूएट एफ किया है, एफ मीन फ्लोटिंग पॉइंट, यानी इशारे वाली जो रकम, डेसिमल पार्ट जिसमें आता है, फ्लोटिंग पॉइंट कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एवेल्यूएट बोलियन, बी यहाँ से बोलियन है, और बोलियन से मतलब या उसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक सिस्टम लिखते हैं एवेल्यूएट बी 3 > 5 जो कि फॉल्स है, तो हमें सिर्फ इसका ये आंसर देगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। येस और नो में, ट्रू और फॉल्स में, या बोलियन के अंदर हम 0 और 1 यूज़ करते हैं, लेकिन मैपल के अंदर हमारे पास यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का ही एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यही वाली टर्म अगर दोबारा लिखते हैं, एवेल्यूएट बी 3 < 5, तो अब यही कंडीशन हमारे पास ट्रू में आंसर हमें मिल गया उसका। इसके बाद है एवेल्यूएशन एट कम्प्लेक्स, अगर हमें कम्प्लेक्स पॉइंट की एवेल्यूएशन करनी है, कम्प्लेक्स के मतलब कुछ जानना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्केयर रूट ऑफ 2 + 3 iota, और इसको हमें एवेल्यूएट करना है। अब एवेल्यूएट कॉम्प्लेक्स तो इसकी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जो एवेल्यूएशन होगी इसका स्केयर रूट का आंसर हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे एवेल्यूएशन, लेकिन यहाँ पे एवेल्यूएट करेंगे हम किसी खास पॉइंट के ऊपर, अगर हमें किसी सिस्टम को एवेल्यूएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ EVAL एवेल्यूएट 2 x + 7, और किस पर, एट x = 3 पर, तो इसके साथ हमारे पास उसकी एवेल्यूएशन यहाँ पर आ जाएगी। यानी एवेल्यूएट करना किसी खास पॉइंट के ऊपर, हमें किसी सिस्टम को, किसी भी पॉलिनोमियल को, कोई भी फंक्शन है, कोई एक्सप्रेशन है, उसको हमने किसी खास पॉइंट पे हमने एवेल्यूएट करना है, तो फिर उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसके साथ प्लस वाई कर देता हूँ तो यहाँ पर 13 + y, क्योंकि हमें